आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ निशा नाम की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूँ उमा श्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए प्यारे मित्रों। यदि जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो बिना देरी के संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना भविष्य जान सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे। यदि किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो हमसे सलाह लीजिए और उपाय को करके अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जो निशा नाम की महिलाएं हैं उनके लिए आने वाला जो वर्ष है, आगामी वर्ष है, ये 2021 कैसा रहेगा। वर्ष 2021 निशा नाम की जो महिलाएं हैं, अगर उनका मूलांक 5, 6 या 1 है तो ये समय उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, बाकी के लिए एवरेज से ऊपर रहेगा। देखिए, अच्छा, निशा नाम की जितनी भी महिलाएं या लड़कियां उनके लिए समय बेहतर ही रहेगा, लेकिन सरनेम भी वर्क करेगा और सरनेम के हिसाब से भी या अंक के हिसाब से आपको थोड़ी घटत बढ़त हो सकती है, कमी या अधिकता हो सकती है किसी भी चीज़ में। तो विचलित मत होइएगा, वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। लेकिन कुल मिला के जो बड़े बड़े ग्रहों का गोचर है वो आपके लिए काफ़ी फेवर का है। और सबसे जो खास बात है, आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष ठीक नहीं है, अचानक से कोई परेशानी उनको आ सकती है। तो यदि अभी कोई परेशानी आपके जीवन साथी को चल रही है तो आपको चाहिए कि उनकी कुंडली एक बार दिखा दीजिए जिससे कि मैं उपाय बता दूँ और उपाय बताने से आपको रिलीफ मिल सके। इसके अलावा धन की दृष्टि से समय बहुत ही बेहतरीन है, कार्य की दृष्टि से समय बहुत ही बेहतरीन है, आपका नाम प्रसिद्धि चारों दिशाओं में चमकेगी और ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत ही उत्तम वर्ष साबित होगा। जैसा कि मैंने बताया, कम ज़्यादा वो रेशियो हो सकता है, लेकिन औसत से ऊपर ही रहेगा ये वर्ष 2021 आपके लिए। कोई नए बिजनेस को चालू कर सकते हैं, आपके मकान का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, संतान संबंधी किसी शुभ समाचार को भी आप प्राप्त करेंगे, संतान का विवाह हो सकता है या विवाह संबंध तय हो सकता है। लेकिन जिनका विवाह हो चुका है उस संतान को थोड़ा कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अविवाहित संतान के लिए वक्त बढ़िया है, लेकिन विवाहित संतान के लिए वक्त जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो यदि कोई समस्या है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आप उपाय करिए, मकान का वास्तु दोष दूर करवाइए जिससे कि कोई भी कष्ट आपके जीवन में ना रहे। आपका जो आने वाला साल है ये किसी पुरस्कार को भी आपको मिलेगा इस साल, और कोई पुरस्कार ऐसा मिलेगा कि आपके सभी रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में आपका ऐसा नाम होगा कि अब तक भी वो आपने मुकाम नहीं देखा होगा, ऐसी स्थिति भी आपके सामने आएगी। लेकिन जो साल के कुछ महीने हैं वो आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, और वो महीने हैं आपके, एक तो है नवंबर का महीना, जो आने वाले 2021 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर का जो महीना है वो आपके लिए थोड़ा परेशानियों को लेकर आएगा, तो पहले से ही उपाय कर लें। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, एक मैरून कलर का रुमाल हमेशा अपने पास में रखें, काले और हरे रंग से दूर रहें। काले और हरे रंग का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे ड्रेस हो, चाहे बेडशीट हो, चाहे कर्टेन हो, इन रंगों से आप दूर रहें या कम पहने इन रंगों को अगर आपको पसंद है तो। आपके लिए जो अनुकूल रंग है वो है गोल्डन कलर, भगवा कलर या फिर पर्पल कलर, रेड कलर। ये कलर आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं। आप डल और जो फेडेड कलर हैं उनका प्रयोग भी भूल कर भी ना करें। इस वर्ष आप सिलेटी कलर से भी बचें, ग्रे कलर आपके लिए अनलकी बना है। इसके अलावा आपके लिए पीला रंग बहुत शुभ है, गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा शुभ है, और इन रंगों का जितना प्रयोग करेंगे आपके भाग्य उतना ही अधिक चमकेगा। खाने में आपके लिए मसूर की दाल और चने की दाल बेहद शुभ है। काली दाल का दान करें, काली दाल का सेवन अगर आपको बहुत पसंद है तो शनिवार के दिन आप ना करें। बुधवार के दिन मूँग भूल कर भी ना खाएँ। अगर आपको मूँग पसंद है तो आप उसके अंदर कुछ और भी मिक्स कर लीजिए, जैसे कि चना मिक्स कर लीजिए और फिर आप खाइए, लेकिन बुधवार के दिन आप उसको अवॉइड करें। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको चाहिए कि आप अपनी जो नेम प्लेट है उसमें रेड और गोल्डन कलर को मिक्स करके और अपनी नेम प्लेट लगवाइए, तो ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत डेली पढ़ें, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सूर्यदेव को नमस्कार करें, सूर्यदेव का चित्र पूर्व दिशा में लगाएं या डेली प्रातःकाल उठते ही सूर्यदेव को नमस्कार करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। शनिवार के दिन शनि को तेल जरूर चढ़ाएं, ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा। और अमावस्या
अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराएं। तो कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए अच्छा है और इन उपायों को आप करेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उससे आपका साल और भी बेहतर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई समस्या है और आप चाहते हैं ज़िंदगी में और ज़्यादा अचीवमेंट आपको चाहिए, तो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए जिससे कि मैं आपको आपके हिसाब से उपाय बता सकूँ। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा सदैव आपको खुश रखें।